आप के नाम पर? हाँ, अपने बाप पे भरोसा ना है तो कागज दिखाऊं? तो तेरी पत्नी के गहने की नींव पे खड़ा है ये घर और ये कारोबार। जाको उत्तराधिकारी है सिद्धार्थ। OMG, मेरा प्लान ही फेल हो गया। अब सिद्ध को सिंगापुर ले जाना बहुत मुश्किल होगा। तो ये सिद्धार्थ चौबे, चाहे जो मांगना है मांग लो जैसे। मुझे मांगने की जरूरत ही क्या है? जो कुछ था आरती का था। आरती मेरी पत्नी थी और सिद्धार्थ मेरा इकलौता बेटा है। तो मतलब दो तिहाई हिस्सा तो मेरा ही है। अगर ऐसा ही था तो ये बात हमें पहले ही बतानी चाहिए थी। और करिश्मा के पापा ने इतने बरस जो मेहनत की उसका क्या? भाजी, अब ये तो सरासर अन्याय है। मतलब व्यापार हो या घर हो, हिस्सा तो बराबर का होना चाहिए। बराबर का क्यों? आप सब ने जितनी मेहनत की है उसके हिसाब से आप सबको हिस्सा मिलेगा। अगर सब कुछ सिद्ध भैया का ही है फिर हम सब क्या किराएदार बन जाए इस घर में? अब तो मेरी शादी हो ही नहीं सकती। बस अब कोई कुछ नहीं कहेगा। बेटा मेरा है, सब कुछ उसके नाम पर है। मैं तय करूंगा किसे क्या मिलना है। बसन पहले एक महामारी फैली है, जहां मैं लासन पे चील कौआ गिद्ध मडराते हुए देखे हैं। और आज हमारे घर पे भी मेरे परिवार के लोग ना आए, चील कौआ गिद्ध जमा भए हैं, जो वो नौच के खाए जाना चाहे। भौजी आप सब बंद कीजिए, ये प्रॉपर्टी और पैसों के बंटवारे की बहस। जिन्होंने जीते जी कभी मेरी माँ को सुख नहीं दिया, आज उन्हें अपने एक लौते बेटे पर प्यार आ रहा है। सिद्धार्थ सर, लेट मी फिनिश। जब सब कुछ मेरे नाम है तो मेरा फैसला भी सुन लीजिए। जो कुछ मेरे नाम है मैं उसे बेच दूंगा और सबको सबका हिस्सा देकर दादू और दादी को अपने साथ लेकर सिंगापुर चला जाऊंगा। कुछ नहीं दिखेगा सिद्धार्थ, क्योंकि सच्चाई यह है कि तू मेरा बेटा है। इस नाते मेरा हक ज्यादा है। नहीं नहीं भाई साहब, सिद्धार्थ ने जो कहा है वही होना चाहिए। देख लिया, एक हलवाई जितनी हैसियत नहीं है मेरी इस घर में। तुम तक और प्रॉब्लम ना हो, ऐसा हो सकता है? हटाओ इसे। एक मिनट बस, रुको, एक सेकंड रुको ना। खराब कर दी अभी माँ। बाहर ही हो बेटा, फिर से स्माइल कर रही हो। स्माइल कर रही हो मतलब फिर से कोई खुराफा आता दिमाग में। और तुम एक बात बताओ, ये सुबह सुबह अपना चेहरा दिखाना कंपलसरी है क्या? अरे नहीं, आज सुबह करेले और लौकी के दर्शन नहीं हुए ना, तभी मिठाई समझ गई कि आज का दिन मिठाई के लिए बड़ा शुभ होगा। मिठाई तो आपको न्योता देने आई है, हरिमोहन मिष्ठान भंडार के मंदिर वाली दुकान में मिठाई अपने बिजनेस की शुरुआत करेगी, आप आइएगा जरूर। सॉरी टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे लॉयर के पास जाना है, बंटवारे के पेपर्स बनवाने, फिर दादी और दादू का वीजा।
उनका पासपोर्ट। ये रहे दोनों के पासपोर्ट। चंद्रकांता जी, मिठाई के पास हमारे पासपोर्ट आपने दिएगा? हाँ हाँ, आज सुबह मिठाई आई थी, कह रही थी कि उसे जरूरी काम के लिए चाहिए थे पासपोर्ट, मैंने दे दिए। मुझे लगा कि दुकान के कागजात बनाने के लिए चाहिए होंगे। मिठाई सब उल्टा पुल्टा क्यों कर रही है? हमारे पासपोर्ट सिद्धार्थ को क्यों दे रही है? उनके पासपोर्ट तुम्हारे पास। तुम माफ करना, झूठ बोल रही है मिठाई। गोपाल, पाप मत लगने देना। उन्होंने ही दिए, कहा कि आपको देने हैं। आसानी से दे दिया उन्होंने। चंद्रकांत ऐसी मिठाई झूठ बोल रही है? अरे मेरा तो दिमाग बन रहा है। हाँ। अब आप उनके लाडले पोते हैं। शायद वो समझ गए कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अब जब बंसी बटी बिक जाएगा तो वो रहेंगे कहाँ? सिंगापुर ही जाएंगे ना। अच्छा तो मिठाई चलती है, आप आइएगा जरूर। अगर आपको जलेबी नहीं खानी तो आपके लिए मिठाई कर लेगा, जूस बना के रखेंगे। ठीक है, जाएगा। आई फाइन। हाथ में चोट लगी है फिर भी स्पीड पे कंट्रोल नहीं है। क्या लड़की है। हमेशा याद रखना मिठाई, ये आलू की जलेबी सिर्फ जलेबी नहीं है, ये हमारी पहचान है, हमारी धरोहर है, समझी? बेटा मुझे विश्वास है। हरि मोहन मिष्ठान भंडार का, ये देखिए। अरे तू पटाखे की जगह ज्वालामुखी पर धमाकों करा देगी काज। अब तो बस आपके पोते सही टाइम पे आ जाए। आप दोनों ने बस गोपाल को स्मरण कीजिए, सब उनसे छोड़ दीजिए। हिस्सा हिस्सा हिस्सा, तुम सब ने मुझसे बिजनेस चलाना सीखा है। आज भी मेरे बिना एक पत्ता नहीं, और हिस्से की बात कर रहा तुम, वो भी बराबर का। हाँ हाँ, और मैं तो इतने सालों से दुकान में बैठ के मिठाई के डब्बे गिन रहा था, है ना भैया? ताऊ जी, आप पापा की मेहनत को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। अरे पाई पाई का हिसाब रखा मैंने, चाहता ना तो उलट फेर कर सकता था। इससे तो अच्छा होता अग्रवाल की चाकरी कर लेता, वही ठीक होता। दुकान हमारी और लड़की सीधे गले पे जा बैठी है। हम परिवार वाले यहाँ हिस्सों का हिसाब कर रहे हैं, और वो बाहर वाली आलू जलेबी एक दुकान पे हक जमा के बैठ गई है। चलिए जी, चलिए देखते हैं उसको। विश्वास कीजिए। हरिमोहन चौबे का परिवार, बाप बेटे में जायदाद को लेकर के झगड़ा चल रहा है। ऐसा लगता है
चौबे जी की नाक कटाएंगे उनके बेटे। अरे ये तो गिरीश बाबू और अभिषेक है, झगड़ा हो गया क्या बाप से? अरे ऐसा कपूत बेटा हो तो बाप का सर झुकता है, देखना ऐसा ही चला तो दिल का दौरा पड़ जाएगा हरिमोहन जी को। शाम को मिलूंगा चौबे जी से तो पूछूंगा, बड़ा सीना तान करके बोल रहे थे कि भाई हमारे परिवार में कभी फूट हो ही नहीं सकती। बस अब लट चलना बाकी है। सब लोग दादो को ब्लेम कर रहे हैं, कितना हर्ट फील कर रहे होंगे वो। कम से कम आज की रात तो नींद अच्छी आए। बाबूजी ये चाबी तो मैं उस लड़की को नहीं देने दूंगा। देखे ना इसकी वजह से आज बाजार में कितना हंगामा हुआ। अगर सही से बंटवारा हो गया होता तो ये नौबत ही नहीं आई। बंटवारा तो आपकी वजह से रुका है भैया। हाँ आप दो तिहाई पे कुंडली मार के बैठना चाहते हैं। सिद्धार्थ नए मालिक कहाँ गए? क्या पता उसके मन में भी लालच आ गया हो, सब कुछ बेच के सिंगापुर की टिकट भी कटवा ली हो। भैया देखिए बाबूजी ये तो मुंह खोलेंगे नहीं लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी। अगर हमारे साथ नाइंसाफी हुई तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। बाबूजी आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? ये कोर्ट जाने वाला फैसला अच्छा लगा। आर्थ भैया मैं देख कर आऊं क्या? गोपाल दत्तू के पोते ने सब देखा है, अब कुछ ऐसा करो वो दिल की आवाज सुने और ऐसा फैसला सुना दे कि दत्तू को चैन आ जाए। पर वो है कहाँ? आपको कुछ छुपा? तो दत्तू के चुभन का एहसास हुआ आपको? खुद ही सोचिए इस उम्र में दद्दू दादे कोर्ट कचहरी का मुंह देखेंगे। अगर मिठाई आपकी जगह होती ना तो क्या होता? क्या कोई किसी का दुश्मन नहीं है, पैसा सबका दुश्मन है। है तो दद्दू का कमाए हुए, अगर पैसे को ही बीच में से हटा दे तो किसी को भी कुछ भी ना मिले, तो जिसके नाम पे है वो किसी को भी कुछ भी ना दे तो लेकिन आपके पास तो टाइम ही नहीं है, आपको तो सिंगापुर जाना है ना। जिंदगी भर आप रोती रही, दादी और दादो के सिवा किसी ने आपकी वैल्यू नहीं की। दादो के बड़े बेटे ने आपको घुटन के सिवा कुछ नहीं दिया। आखिर में आप ये दुनिया छोड़कर चली गई, पर अब इस घर में किसी को कुछ भी आसानी से नहीं मिलेगा। अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। अरे इतनी सारी जलेबी और एक के बाद एक मुंह में ठूसे जा रही है। पिताजी कहते थे जब अंदर से गुस्सा उभर रहा हो ना तो खाती कढ़ाई में जलेबी चलते जाओ। अरे तो गुस्सा के बनाते बनाते ट्रे में ही खाई भी लगी। हाँ गोपाल को भोग लगा दिया, निकली की जलेबी अलग से रख दी, कुछ भी लूटा नहीं किया। गुस्से में मुंह ना खुले इसलिए जलेबी टूटी। इतना गुस्सा है लेकिन कौन पे? मिठाई बंद कर खाना, अरे पेट फट जाएगा गुस्से से। पहले उस गुस्से को निकाल तू। अरे छोड़,
अरे ऐसा का कह दिया सिद्धार्थ ने? दद्दू आपके पोते ने भड़ा से मिठाई के मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया और कहा कि आज से दुकान नहीं मिलेगी, मुन्नी पर ही आलू जलेबी बेचो। मिठाई को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम मिठाई की बात तो सुननी चाहिए थी ना। अरे इतनी सारी जलेबी तू साइकिल में बेचेगी? देखिए हाँ मिठाई ने तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा निकाल दिया, पर कोई बात नहीं, जब गोपाल ने इतनी सारी आलू जलेबी बनवा ली मिठाई से तो वो बिकवा भी देंगे। दुकान ले ली कोई बात नहीं, आज तक मिठाई बिना दुकान के तो आलू जलेबी बेचते आई है ना, लेकिन कोई मिठाई को बनौती कहे ये अच्छी बात है क्या? मिठाई ने भी कह दिया कि भला उनसे बड़ी बनौती है कौन। वो तो सबसे बुरा इस बात का लगा कि दद्दू के पोते समझने के लिए तैयार ही नहीं है कि उनको कैसे क्या करना चाहिए। दद्दू आपके पोते दिमाग से सोचते थे वही ठीक था, दिल से सोचकर ना सब चौपट कर दिया, बंटवारा रोकने के लिए धमाका किया तो वो बेचने पे उतर आए और अब मुंह पे पट्टी बांध ली, बात करने के लिए तैयार ही नहीं है वो। लेकिन तुझे कुछ समझ में आया कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है? ये समझना तो बड़ी मुश्किल की बात है दादी, अपने आसपास ऐसा घेरा बना के रखा हुआ उन्होंने कि कोई उन तक पहुंच ही नहीं सकता। उनको क्या पता कि एक बिजनेस वाले के लिए अपने पहले दुकान का मोल क्या होता है। घर में जब पहला बच्चा जन्म ले ना मिठाई, वहां से जो खुशी मिले है कछु कछु वैसे ही लगे है जब अपने हक की पहली दुकान ले लो और फिर वह धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते। दद्दू बेटा ऐसा मान लेते कि आपकी पहली दुकान आपके कड़वे पोते के पास गिरवी पड़ी है और मिठाई उनसे छुड़वा लेगी, अब बस ये सोचना है कि इतना बड़ा काम मिठाई करेगी कैसे। मिठाई एक बात तो बता, तेरे हाथ पे प्लास्टर लगा है, तू साइकिल चलाएगी कैसे? अरे दादी मिठाई तो जतिपुरा में दोनों हाथ ऐसे खुल के साइकिल चलाती थी और अभी तो एक हाथ है ना ब्रेक लगाने के लिए, और घंटी के बदले गाती जाएगी ले लो जलेबी आलू के भाई आलू जलेबी ले लो मालपुआ मन भवन संग में रबड़े चक्के देखो बस। सेट टू यस, नंबर तीन को नंबर वन बनने में ज्यादा इंटरेस्ट होगा। नहीं ओके ओके ठीक है, तो तुम्हारी 10 दुकानें हैं, क्या कीमत लगाई है तुमने दुकानों की? हर एक शॉप 2 करोड़ यानी 20 करोड़, और हाँ 1 करोड़ ब्रांड मार्केट वैल्यू। 21 करोड़? अरे मार्केट में तो तुम लोगों की साख गिरनी चालू हो गई है। 21 तो नहीं होगा, क्यों आदित्य? Yes dad, I think 15 is enough. हाँ 15 ठीक है, नहीं 1 रुपए ज्यादा नहीं 1 रुपए कम। थैंक यू सर, मजबूरी में बिजनेस नहीं बेच रहा हूँ, वरना ही दिवाली बम्पर सेल है। और हाँ एक दिन के तमाशे से परसों की शाख नहीं जाती। ऐसा है ही जा सके, ऐसा हो गया, सौदा करने गया है वो, उन्हें लगा कि हम कोई चाल चल रहे हैं। मैंने कहा चाल लिया, हमें तो सौदे के बारे में पता नहीं है। सिद्धार्थ सौदा करने गया हो? हाँ जी। हे गोपाल देखिए सबने, कल साहब सीना ठोक के कह रहे थे मैं बिजनेस चलाऊंगा, एक दिन में हार मान ली। उसकी हार हो या जीत, हम तो कंगाल हो गए ना। अब जी देख लिया, आपने जिसे सर चढ़ा रखा है वो आपका लाडला पोता दुश्मनों से सौदा कर रहा है। मैं उसका ये मनसूबा कामयाब नहीं होने दूंगा। कुछ नहीं कर पाएंगे भाई साहब, आप वो सिद्धार्थ है शुभम नहीं जो आपके इशारों पर नाचे। मैं तो कहीं का नहीं रहा चाची, अनाथ था अनाथ ही रहूंगा। लेकिन भैया ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो कुछ भी कर सकते हैं। ये मैं क्या सुन रहा हूँ सिद्धार्थ? क्या सुना है सर आपने? हम सबकी बरसों की मेहनत इज्जत और परिवार के इस बिजनेस को तुम
हमारे दुश्मन को बेच रहे हो? सर मैंने ठीक से सुना नहीं, किसकी मेहनत, किसका बिजनेस? सिद्धार्थ, हम सबकी मेहनत, हर सदस्य की मेहनत, हमारा हक कैसे छीन सकते हो तुम? कितनी बार बताना पड़ेगा? जब मालिक मैं हूं तो मैं ही तय करूंगा ना कि क्या करना है। हाँ लेकिन घर के बड़ों से सलाह मशवरा करना भी जरूरी नहीं समझा तुमने? जब घर के बड़े बच्चों की तरह आपस में लड़ने लगे कि कौन सा खिलौना किसका, तो मुझे क्या करना चाहिए? पर सिद्धार्थ, दादू ये मैं कहा सुन रहा हूँ? दादू आप प्लीज बैठिए, बैठिए। दादू आप इन सब की परवाह मत कीजिए, इनके हर सवाल का जवाब दूंगा मैं। आप सब कभी करते हैं दादू से सलाह मशवरा? जब बंटवारा करने निकले थे किस बड़े की एडवाइस ली थी? कब? मैं तो उस दिन था ही नहीं। अच्छा वो तुम आ गई, तुम भी ध्यान से सुन लो क्योंकि तुम्हें भी इन सब की तरह वो पुराने वाली दुकान चाहिए ना। पर बेटा क्या ये सच है? डैड वो जो कल हमारे मिठाई के 12 डिब्बे गए थे ना, उनके बारे में मैं बता रहा था। वो तुम यहाँ? माफ कीजिएगा, मिठाई हाथ जोड़ के नमस्ते नहीं कर पा रही, लेकिन फिर भी नमस्ते। तुम इधर क्या हो गया? वो मिठाई गिर गई थी, हाथ टूटा पर दिमाग की बत्ती जल गई और अकल की खिड़की खुल गई। पर हमारे बिजनेस ऑफर को तो तुमने ठुकरा दिया था। वही तो, गलती करके इंसान सीखता है ना। सोचा था जिस घर से मिठाई को हेल्प मिली उनसे कभी गद्दारी नहीं करनी चाहिए, पर क्या है ना, मिठाई भी एक हद तक बेइज्जती बर्दाश्त कर सकती है। अब मीठी जलेबी बेचने वाली मिठाई का दिल भी खट्टा हो गया। तुम्हें तो आज पता चला, हम तो बरसों से बेइज्जती चक रहे हैं और मौका ढूंढ रहे हैं कि कब उस परिवार की नाक कटे। लो जी, आपने जो मांगा गोपाल ने सब जवाब को दे दिया। मिठाई को जब भी पता चला कि वो दद्दू के पोते मतलब सिद्धार्थ जी आपको सब बेच रहे, तो मिठाई तुरंत ही आपको सावधान और सतर्क करने चली आई। क्यों, तुम क्यों हमें सतर्क करोगी? वो आप मिठाई से मत पूछिए, बस मिठाई जो चेतावनी देने आई है ना वो सुन लो। कैसी चेतावनी? आपको जो भी लेन देन करनी है ना पूरे परिवार के सामने करना। गोपाल मिठाई ने पहला कदम उठा लिया है, बाकी तुम संभाल लेना। इसे चखिए और इसको नए रिश्ते का शगुन समझिए। ये अगर बिक गई तो इसे नंबर वन दुकान पे जगह दे देना, और अगर नहीं तो मिठाई कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। वाह, ये जलेबी तो सिर्फ नंबर वन दुकान में ही बिकनी चाहिए, साइकिल पर नहीं। थांकू थांकू, देखा आपने चखा और तारीफ भी की, इज्जत भी दी, और वो दद्दू के पोते पता नहीं क्या समझते खुद को, जब देखो तब मिठाई पर चिल्लाते रहते। अच्छा? हाँ, और जानबूझ के चुपचाप बिजनेस बेच रहे। सब लोग आपकी जय बोले, ये कहाँ बर्दाश्त होगा उनको? आज अगर वो आपका बिजनेस खरीद रहे होते ना तो पूरे मथुरा में डुगडुगी पीटते, वो तो अपने घर वालों के सामने भी आपका सर ऊंचा होते हुए नहीं देखना चाहते। जैसा आप सोच रहे ना वो सब कुछ भी नहीं है गोपाल साहब, दरअसल मेरे बाबूजी बहुत भले और अच्छे व्यक्ति हैं। वो संघर्ष कर रहे लोगों को हमेशा से मौका देना पसंद करते हैं, इसलिए आज उस लड़की को मौका दिया। बेइज्जती हमारी हो तो सरेआम, और जब वक्त आया उनकी बेइज्जती का तो चुपके से। अब जो होगा पूरे परिवार के सामने होगा, सबकी नाक कटेगी, उस घमंडी गिरीश चौबे की भी। तब मनाएंगे हम असली जीत का जश्न। चलती हो, नमस्ते नहीं कर सकते। गोपाल तुम तो सब जानते हो, यहाँ का काम तो कर दिया मिठाई ने, अब कैला बाबू से बात करनी है। जब अपनी आंखों के सामने अपने परिवार और कारोबार का अपमान होते देखेंगे
तब समझ पाएंगे कि ये सौदा करके कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं वो। संभाल लेना गोपाल। चलिए पहले डील साइन कर लेते हैं। बेटा दुकानों की चाबी तो है ना तुम्हारे पास? तुम्हें ना तो ये बिजनेस पसंद है ना मिठाई। चलो अच्छा किया तुमने दोनों को काबिल हाथों में सौंप दिया। बाप से ज्यादा समझदार हो तुम। ब्रो तुम और मैं बचपन से ही डिफरेंट है। मैं तब से बिजनेस सीख रहा हूँ जब तुम मैथ और साइंस में नंबर वन हुआ करते थे। अरे भाई सबको मिठाई दो। सो अब दो ब्रांड्स के एक होने की खुशी में और आई एम सॉरी अब सिर्फ एक ब्रांड के बचे होने की खुशी में मैंने एक नई मिठाई तैयार करवाई है। मैंगो मलाई बर्फी। चखिए ना टेस्ट करो। अपने मालिक के मुंह में ले जाके ठूस दो। जाओ। के पोते का गुस्सा और बढ़ने दो। फटने दो बम। चलने दो ये डील और अग्रवाल के घमंड का रावण। देख रहे हो ना सिद्धार्थ किस तरह से ये लोग हमारी हंसी उड़ा रहे हैं। मेरी इज्जत की तो फिक्र नहीं है जानता हूं मैं, पर बाबू जी उनका अपमान कैसे बर्दाश्त कर रहे हो तुम? पोते एक मिठाई के डिब्बे पे आपका पाव पड़ा तो कितना गुस्सा आया था आपको। आज ये लोग सबको अपने पाव के नीचे रौंद रहे हैं। यहाँ खड़े होके अपनों के चेहरे देखिए गौर से। गलत हाथों में ना जाए बस। डैड बेटा सिद्धार्थ हरिमोहन स्वीट्स की आखिरी फॉर्मेलिटी पूरी करें। बंद कीजिए तमाशा। बस बात बिजनेस की थी किसी को जलील करने की नहीं। मैंने तय कर लिया है मुझे दुकानें नहीं बेचनी। देखा था तो कल तक ये परिवार बटा हुआ जैसा लगता था पर आज घर की अंदरूनी लड़ाई अपनी जगह पर बाहर का कोई आ जाए तो सब लोग मिलजुल के ईद का जवाब हरिमोहन स्वीट से दे रहे हैं। कहीं ना कहीं सबका दिल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज दिख रही है उम्मीद की पहली किरण। तेरे मेरे विश्वास को हरण नहीं दिया मिठाई। आखिर तेरे साबित कर दियो कि तू ही है जो यह परिवार को जोड़े रखने को हुनर जाने है। थैंकू गोपाल कोटि कोटि प्रणाम। नंबर वन बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है ईमानदार बनना पड़ता है जो तुमसे संभव नहीं है। आपका लिहाज करता हूँ बाबूजी वरना वरना
आपका पोता आया था मेरे पास सौदा करने के लिए, आपका नाम बेचने के लिए। मैं खुद चल के नहीं आया था यहाँ पे। अब देखिएगा, हमारी और आपकी लड़ाई जो चुपके से हुआ करती थी वो अब सरेआम होगी। जो करना हो कर लीजिएगा, लेकिन मेरे दादू से भूल कर भी इस तरीके से बात मत कीजिएगा। और हाँ, ये धमकी कहीं और दीजिए, क्योंकि डरता नहीं मैं आपकी धमकियों से। दादू की एक दुकान तो क्या, एक ईट या एक स्वीट भी नहीं बेचूंगा मैं आपको। लेकिन मैं आज कसम खाता हूं, एक दिन मथुरा की आपकी हर दुकान को मैं खरीदूंगा। और हर एक दुकान पर सिर्फ एक ही नाम होगा, मेरे दादू का। हरिमोहन स्वीट्स। ₹365 का वक्त है आपके पास, बचा लीजिए अपना नाम और अपनी ब्रांड। अब बच्चा क्या परेशानी है दादो, ये सब मैं कैसे, मिठाई बिजनेस पता नहीं कैसे होगा। बेटा शांत है जा, शांत। अच्छा खासा प्लान था मेरा, सब कुछ बेचकर आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर देता और चला जाता सिंगापुर। पर ये इडियट अग्रवाल, नॉनसेंस। वेरी गुड दादू पोते, बहुत सही किया आपने। भाग के सिंगापुर जाने में बहादुरी थोड़ी है, मजा तो मैदान में उतर के लड़ने में। तू अपनी मर्जी से मैदान में उतर है, और आगे भी तू अपनी मर्जी को खुद मालिक है। जाना चाहे तो चला जा, या तो ये बिजनेस जैसा चलता आया हो वैसा चलता रहेगा, या फिर जो बीड़ा तेने उठाया है भाई पूरा करके दिखा। जिस चीज से मैं नफरत करता हूँ उसी का बिजनेस, मुझे इसका ABCD भी नहीं पता। बेटा यह घर में सब बच्चे पे सबसे पहले ABCD तेने सीखी है, और A to Z लिख भी लगो तू तो बिजनेस की ABCD भी सीख जाएगा एक हफ्ता में। दादो पर कैसे खड़ा होऊंगा मैं शॉप में, दैट मिठाई की चलो मान लो मिठाई टोटल फेल है, पर आप तो बहुत पढ़ी लिखी है ना, तो आपकी पढ़ाई क्यों नहीं नजर आती। पढ़ने लिखने का ये मतलब होता है क्या कि इंसान अपने इमोशन, प्यार, परिवार सब भूल जाए। दत्तू के पोते, आपने पहली बार अपने दिल की आवाज सुनी है, अब उस पर बस अमल करना है आपको। तो मिठाई ये कह रही थी कि Enough! Get out! Get lost right now! Nonsense! Sid, relax. पागल है वो लड़की। सिर्फ मैं तेरे लिए ग्रीन खिलाती हूँ, हाँ